एक ऐसा कैफे जहाँ पे आपको खाने के साथ साथ स्टॉक्स मार्केट और ट्रेडिंग की नॉलेज भी मिलेगी। नमस्कार, मैं हूँ ऋषि पाठक और आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। और आज मैं मौजूद हूँ ग्वालियर मध्य प्रदेश के एक ऐसे कैफे में जिसका नाम है स्टॉक्स वाला कैफे। नाम से आप समझ गए होंगे कि इस कैफे की खासियत क्या है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ के को फाउंडर यश पाराजी। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया बिजनेस टुडे बाजार से बात करने के लिए। तो मेरा पहला सवाल आपसे कि ये जो कॉन्सेप्ट है स्टॉक मार्केट का एक कैफे में मिलाने का, ये आपके दिमाग में कैसा है? 6 साल पहले से जब मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ उस टाइम से लेके अभी तक मैंने पूरे इंडिया में ट्रैवल किया, बट कोई भी ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ पर ट्रेडर को एक अच्छा पैराडाइज मिले, वहाँ पर बैठ के वो ट्रेड करे, खा भी सके और अच्छे से सीख भी सके। स्टार्टिंग में क्या दिक्कत आती है, जब भी कोई ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा होता है उसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा होता। YouTube के पास जाता है, Telegram के पास जाता है, वहाँ पर रैंडम टिप्स मिलती हैं और वहाँ पर इंसान जाके लॉसेस क्रिएट करता है और फिर कभी मार्केट को दोबारा से देखता ही नहीं है एक अच्छे नज़रिए से। उसको हमेशा लगता है कि यहाँ पर बस लॉस बनता है और वहाँ पर कभी भी प्रॉफिट नहीं बनाया। इसलिए हमने स्टार्ट किया स्टॉक्स वाला कैफे। यहाँ पर इंसान बैठकर लाइव ट्रेड कर सकता है और यहाँ पर बैठकर सीख सकता है एक्सपर्ट ट्रेडर्स के साथ। तो लोग जो है वो खाने की वजह से अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो यूनिक कॉन्सेप्ट है उसकी वजह से यूनिक कॉन्सेप्ट के चक्कर में इंसान यहाँ पर आता है और खाने के चक्कर में यहाँ पर रुका रह जाता है, क्योंकि हमारे फूड का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। हमने जो पूरा कॉन्सेप्ट बनाया है यहाँ पर आप देख सकते हैं बोल एंड बियर बनाया हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने पिक्चर रिप्रेजेंटेशन किया है कि इंसान को क्या फाइनेंशियल गोल अचीव करना है, वैकेशन, रियल एस्टेट, बाइक, जो क्या टेक्नोलॉजी के लिए, ये सब यहाँ पर हम लोग पिक्चर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो ये जो ऊपर चल रहा है सारे स्टॉक प्राइसेस और उनके आगे खाने का भी मैगी नेस्ले, तो ये क्या है? जैसे कि यहीं पर आता है हमारा एजुकेशनल कैफे का फैक्टर। अभी तक सब लोग मैगी खाते हैं बट किसी को नहीं पता कि मैगी को मैन्युफैक्चर कौन करता है। मैगी की जो हमारी प्राइस रहती है कैफे में वो डिपेंडेंट करती है जो भी नेस्ले का प्राइस चल रहा होगा उस पर। नेस्ले मैन्युफैक्चर करता है मैगी को, इसलिए ही उस पर डिपेंडेंट है। सपोज करते हैं नेस्ले आज 5% बढ़ता है तो हमारी मैगी की प्राइस 5% ऊपर जाएगी, और अगर नेस्ले की प्राइस 5% नीचे जाती है मैगी की प्राइस हमारी 5% नीचे जाएगी। वाह, ये बड़ा कमाल है। और एक क्वेश्चन ये कि जब कस्टमर्स आपके पास आते हैं तो जैसे हम लोग सुनते रहते हैं मार्केट में बहुत रिस्क है, तो आप कस्टमर्स को कैसे अवेयर करते हैं कि अपने रिस्क पे है हमसे, अगर आपको ट्रेड करना है, इंस्पायर होना है, अवेयर होना है, तो आपको कैसे अवेयर करते हैं? यहाँ पर हम लोग जो पूरा हम लोगों ने बनाया है यहाँ पर हम लोग बैठ के पहले सिखाते हैं लोगों। हमारा जो कोर्स रहता है वो मेजरली है एजुकेशन के ऊपर, फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर है। हम लोग वहाँ पर लिटरेट करते हैं लोगों को, ना कि हम लोग वहाँ पर उन्हें ये बता रहे हैं कि कैसे प्रॉफिट बनाए। जैसे कि एक स्टॉक मार्केट एक स्किल होती है, वैसी एक ड्राइविंग भी एक स्किल होती है। ड्राइविंग में आप कितने भी अच्छे एक्सपर्ट ड्राइवर हो जाओ, आपका एक्सीडेंट कभी ऐसा नहीं हो सकता कि 0% चांस हो जाए कि आपका एक्सीडेंट ना हो। इसलिए स्टॉक मार्केट में अगर आप स्टॉप लॉस ले रहे हैं वहाँ पर तो आपका लॉस भी कम ही होगा और एक अच्छा प्रॉफिट भी आप बनाएंगे। तो टारगेट लेके चलेंगे, स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, रिस्क मैनेज करके चलेंगे, कैपिटल एक अच्छे से डाइवर्सिफाई करके चलेंगे, तो एक अच्छा आप पैसा बना सकते हैं। हम लोग यहाँ पर एजुकेशन देते हैं, ना कि हम लोग ये बता रहे हैं कि ऐसे करके आप प्रॉफिट बना लें। तो आपने जैसे बताया कि डायनेमिक मेन्यू है, जैसे स्टॉक प्राइसेस होते रहे, तो अभी निफ्टी जो है वो ऑल टाइम हाई गया, तो उस दिन आपने क्या किया, कस्टमर्स को फ्री में खाना दे दिया? जैसे 19,000 जिस दिन क्रॉस हुआ था तो हमने उस दिन फ्लैट 19% ऑफ दिया था सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो ये हमारी चीज रही थी कि हम लोग जो भी करते हैं सब कुछ रिलेटेड रहता है स्टॉक मार्केट के ऊपर। उस दिन हमने 19,000 क्रॉस हुआ तो 19% ऑफ किया, जैसे 20,000 क्रॉस करेगा उस दिन हम 20% ऑफ करेंगे। और इस साल उम्मीद है वो बिल्कुल इस साल उम्मीद है कि 25,000 भी क्रॉस कर सकें। और यहाँ पे आप लेफ्ट में देखेंगे एक वॉच बनी हुई है और ये रियल टाइम वॉच है। मेरी वॉच में अभी 5:20 हो रहे हैं, तो इस में भी 5:20 हो रहे हैं। ट्रेड के बगल में अलार्म लगा हुआ है क्योंकि 9 बजे हमारी ट्रेडिंग शुरू हो जाती है और 3:30 में खत्म हो जाता है मार्केट। और ये जो आप देखेंगे निफ्टी का चार्ट है 18,000, हालांकि अब 19,000 है तो वहां पर भी वो ऐड कर देंगे 19,000। ये पूरा निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी लॉन्च हुई थी 1996 में, तो एक फ्रेम लगाया हुआ है। ऐसे ही जो हिस्टोरिकल मोमेंट्स हुए हैं निफ्टी के साथ उस सब की फ्रेम्स यहाँ पे, और निफ्टी का ग्राफ साथ साथ चलते जा रहा है। जैसे 2020 में कोविड क्राइसिस जो सबसे बड़ा क्राइसिस था, तो उस टाइम पे जो निफ्टी डिप हुई थी और फिर एकदम से उसने लीप लिया था, तो ये उसका है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें बिजनेस टुडे बाजार को और जुड़े रहें हमारे साथ। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।